इंदौर शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की देपालपुर तहसील में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने एसडीएम प्रतुल सिन्हा के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए मिठाई बनाने वाले कई प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में मिठाइयों के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में अपमिश्रित या अमानक पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। जांच के दौरान गंदगी और अन्य अनियमितता पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाही नायब तहसीलदार विनोद पाठक के मार्गदर्शन में की गई। कार्यवाही के दौरान स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, नगर परिषद के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि नगर मिष्ठान भंडार, बाजार चौक, श्री महाकाल स्वीट्स चमन चौराहा, श्री मंगलेश्वर महादेव मावा भंडार सहित कई मिठाई प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वहीं श्री महाकाल स्वीट्स से 7 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों से मिठाई के नमूने लिए गए। गंदगी का चालान बनाया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सोनी, पुष्पक द्विवेदी, सुभाष केलकर, राकेश त्रिपाठी एवं स्थानीय प्रशासन नायब तहसीलदार विनोद पाठक, नगर परिषद CMO चंद्रशेखर सोनी, पटवारी प्रदीप सिंह चौहान, स्वच्छता इंस्पेक्टर शैलेश कुराड़िया टीम में मौजूद थे। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। और हमारे साथी फूड सेफ्टी ऑफिसर में रेवन सोनी, राकेश त्रिपाठी जी हैं, स्वास्थ्य सेक्टर जी थे, सब रेडी जी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ होटल में जांच की है, जो दो दुकान पर सैंपलिंग भी किया हुआ है। उसके बाद में जो सैंपल जांच के लिए जाए, जैसे उसको रिपोर्ट आती है और जब उसका आगे एक्शन लिया जाए, जहाँ भी शंका होगी नियंत्रण की कार्रवाई चलती रहेगी। अभी कंटिन्यू इसके आगे भी कुछ होटल हैं, उसमें भी साथ जाते होंगे। भी है साफ सफाई उसको देखने के लिए उन लोग पूरी दल में गठित किया गया हुआ है। तो बोलो साफ हमारे पास पूरी देपालपुर तहसील प्लस इंदौर की, हम आज देपालपुर के लिए आए हुए थे। देपालपुर द्वारा का समय मिलता है तो बैठना और अन्य भी होता है। मैं धनंत कुमार सोनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।